बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रभारी व राज्यसभा सांसद संजय सिंह के नेतृत्व में समूचे प्रदेश में पदयात्रा कर विरोध प्रदर्शन किया गया है। नमस्कार, मैं हूं नफीस अहमद, आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 लाइव टीवी। मैं इस वक्त मौजूद हूं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से सटे जनपद सीतापुर में। हमारे साथ सीतापुर आम आदमी पार्टी के जिला अध्यक्ष आनंद जायसवाल जी मौजूद हैं, जिनसे हम बात करते हैं। स्वागत है आपका न्यूज़ 9 लाइव टीवी में अध्यक्ष जी। धन्यवाद। आज का जो ये प्रदर्शन है आपका, इस प्रदर्शन का मुख्य उद्देश्य क्या है? आज का जो प्रदर्शन था वो महंगाई को लेकर के था, बेरोजगारी को लेकर के था और उस भ्रष्टाचारी सरकार के खिलाफ था जिसने 15 लाख करोड़ रुपए जो है पूंजीपतियों अपने मित्रों का माफ़ कर दिया और उनके पास गरीब जनता के लिए पैसा नहीं है, किसानों के कर्जे के लिए पैसा नहीं है, किसानों की फसल की कीमत बढ़ाने के लिए पैसा नहीं है, युवाओं को रोजगार देने के लिए पैसा नहीं है, लेकिन अपने मित्रों को पैसा जो है टैक्स माफ़ करने का और उनका कर्जा माफ़ करने के लिए उनके पास पैसा है। इसी संबंध में हम जो है हमारी टीम और पूरे जनपद में आज पदयात्रा निकाली है। जो आज की यह पदयात्रा आपकी निकाली गई, इस पदयात्रा के परमिशन को लेकर के कहीं कोई रुकावट तो नहीं है? कहीं ऐसा तो नहीं हुआ कि इस यात्रा को लेकर के कहीं रुकावट आ रही हो कि आप यात्रा ना निकालें या प्रदर्शन ना करें? ये समझ लीजिए कि 22 तारीख को हमने आवेदन किया था सिटी मजिस्ट्रेट के यहाँ, इसके बाद हमको गली गली दौड़ाया गया। कल रात में 1:30 बजे मैं CO सिटी बिस्वा पहुंचा और वहां से जो है कि उन्होंने लिख करके थे, मतलब ऐसे समझ लीजिए कि लगा करके दरोगा से और CO सिटी मतलब CO तक, ये समझ लीजिए कि एक भाजपा का एजेंट बन के काम कर रहे थे। पूरी तरह से उनकी मंशा थी कि किसी तरह से परमिशन नहीं दी जाए, लेकिन रात के 1:30 बजे हम बिस्वा गए, बिस्वा से जो है परमिशन करा के लाए, फिर सुबह 8 बजे सिटी मजिस्ट्रेट के यहाँ 2 घंटे बैठे रहे और वहाँ पे 10:05 पर सिटी मजिस्ट्रेट ने परमिशन दी है। चलिए अगली बात, इस यात्रा के दौरान कहीं किसी समस्या का सामना तो नहीं करना पड़ा आपको? नहीं, कोई नहीं, बिल्कुल शांतिपूर्ण से जो है यात्रा हमारी थी और हमारे जितने कार्यकर्ता थे वो पूरी शांतिपूर्ण से यात्रा निकाले, कोई दिक्कत नहीं है रास्ते में। ये यात्रा कहाँ से कहाँ तक निकाली गई? ये ईदगाह तरीनपुर जो श्यामनाथन रोड है अस्थालान, यहाँ से निकल करके श्यामनाथ से गुड़ियन टोला होकर के मन्नी चौराहा से कोट चौराहे से कजियारा चौराहा, दुर्गापुरवा होते हुए घंटाघर से ग्रीगन चौराहा से लालबाग चौराहा, फिर आकर के शहीद पार्क लालबाग पार्क में समापन किया गया। आपको लगता है कि इस यात्रा करके प्रदर्शन करने के बाद इस महंगाई पे और बेरोजगारी पे कोई असर दिखाई देगा? मुझे तो नहीं लगता है, लेकिन अगर कहीं अभी हम लोग तो लड़ाई कर ही रहे हैं और अगर हमारी बातें जो है अगर जनता की महंगाई को लेकर के उन्होंने कोई मतलब एक्शन नहीं लिया तो हम नेक्स्ट टाइम पे फिर आने वाले समय में इसी तरह से प्रदर्शन करेंगे। आप बीजेपी सरकार पे आरोप लगा रहे हैं कि भ्रष्टाचारी सरकार है और इसमें महंगाई है, बेरोजगारी है। आप दिल्ली में देखते होंगे मनीष सिसोदिया जी के, वहाँ अभी छापा पड़ा है, जाँच हो रही है, इसके बारे में आपकी क्या राय है? देखिए ऐसा है, ये दुनिया जान रही है, भाजपा के लोग जान रहे हैं कि किस तरह से खेला जा रहा है वहाँ पे। मनीष सिसोदिया जी को, इतने ईमानदार, इतने अच्छे, इतने सच्चे नेता हैं, कट्टर ईमानदार नेता हैं, जिनकी जो है प्रशंसा पूरी दुनिया कर रही है। अमेरिका के जो है न्यूयॉर्क टाइम में उनकी फ्रंट पेज पे फोटो छपी है जिनमें दुनिया के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति चाहते हैं कि हमारी फ़ोटो उसमें छप जाए। दुनिया जान रही उनको तोड़ने के लिए कि हम वहाँ सरकार गिरा दें, वहाँ सरकार हम बना लें। उनका एक वही खेला चलता है, 3 लोगों के वो चाबुक करंट वाला, ED, CBI, इनकम टैक्स, बाकी कोई वहाँ पे उनका कोई भ्रष्टाचार नहीं किया है, कुछ नहीं किया है। जिन लोगों ने कहा है कि आबकारी नीति में वो भ्रष्टाचार किया, अगर आबकारी नीति में वास्तव में भ्रष्टाचार हुआ है तो गुजरात में देखना चाहिए उनको। जो 105 लोग कम से कम 110 लोग मरे हैं वहाँ पर कोई जाँच नहीं हो रही है, ये पक्षपात किया जा रहा है। और भाजपा के अंदर जो है कोई भी नेता अगर पहुंच जाता तो गंगा जल से धुला माना जाता है और दूसरा कोई अगर उनके विरोध में बोल दे तो वो जो है सबसे बड़ा पापी हो जाता है। जब कोरोना काल चल रहा था उस वक्त वहाँ के NCD जो है उन्होंने 85 लाख रुपए जो है उन्होंने माफ़ किया था उनका टोल वालों का, और इसके बाद में ये जो एडवर्टाइजमेंट का था इसे 85 करोड़ रुपया 100 करोड़ रुपया माफ़ किया था उन्होंने एडवर्टाइजमेंट का।
जो उस वक्त ये नीति आई थी कि हर राज्य ने अपने अपने यहाँ, जैसे यूपी में भी हुआ था, क्योंकि मैं जायसवाल हूँ, दारू का व्यवसाय हमारा रहा है और इसकी नीतियाँ मैं बहुत अच्छी तरह से समझ सकता हूँ। उस वक्त करीब सीतापुर में भी, मैं बता रहा हूँ, जो कि हमारे कई रिश्तेदारों ने, उनका भी करीब 2.5 से 3 महीने का जो है लाइसेंस फीस माफ़ हुई थी कोरोना काल में। वही जो 144 करोड़ रुपये का जो उन्होंने बताया है घोटाला किया, भ्रष्टाचार किया है सिसोदिया जी ने, लेकिन वो भ्रष्टाचार नहीं है, वो उन लोगों की लाइसेंस फीस माफ़ की गई जो कोरोना काल में उनकी दारू नहीं बिकी, दुकानें बंद रहीं, तो अपने पास उनके लिए उन्होंने जितने लाइसेंस धारक थे उन्होंने अपना जो है उनसे बोला और उन्होंने उनका माफ़ किया गया। आपके हिसाब से जो सिसोदिया जी के ऊपर आरोप लगे हैं वो पूरी तरह से गलत है? बिल्कुल गलत है, निराधार है, और इसकी हम क्या पूरा देश इसकी निंदा कर रहा है। अब हम बात कर लेते हैं रविकांत तिवारी जी से, जो आम आदमी पार्टी के पदाधिकारी हैं। स्वागत है आपका न्यूज़ 9 लाइव टीवी में। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जो आज का एक आपका प्रदर्शन था, इस प्रदर्शन का मुख्य उद्देश्य क्या है? ये प्रदर्शन आज का हमारा, उनके जो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, उनके चंद्र पूंजीपति मित्रों के जो ऋण माफ़ किए जा रहे हैं उनके विरोध में था, बेरोजगारी के विरोध में था, बढ़ती महंगाई के विरोध में था। आपने अभी कुछ चैनलों पे खबर देखी होगी कि कांग्रेस नेता गुलाम नबी आज़ाद जो हैं वो कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे चुके हैं, और कुछ चैनलों पर यह खबर चल रही है कि जो गुलाम नबी आज़ाद थे वो कांग्रेस में कैद थे, क्या इस बात को आप स्वीकार करते हैं? इसका मतलब गुलाम नबी आज़ाद इतने दिनों से कैद थे और मलाई काट रहे थे? हमने ऐसी कैद नहीं देखी जो 5-5 बार राज्यसभा सांसद बना दिए जाएं, एक प्रदेश के मुख्यमंत्री बना दिए जाएं और कैद रहें। ये तो पूरा ये समझ लीजिए इन्होंने मलाई खाने का काम किया है। अब मोदी जी की गोद में बैठ रहे हैं, वो देख रहे हैं कि कांग्रेस ख़त्म हो रही है, इसीलिए वो मोदी जी के चरणों में गए हैं, वहीं शरण ले रहे हैं। ये पूरे देश में माहौल है, जो नेता सत्ता की मलाई से अलग नहीं रह सकते उनका यही हाल होता है। 5 पन्नों का उनका पत्र था जब उन्होंने इस्तीफा दिया, उसमें जिक्र ये भी किया गया कि जो कमी रही जिसकी वजह से आज हम निकल रहे हैं वो राहुल गांधी जी की कमी रही, क्या आप इस बात को मानते हैं? अब कांग्रेस पूरी तरीके से ख़त्म हो रही है, जिन नेताओं को सत्ता की मलाई खाने का शौक़ होता है वो बिना मलाई खाए नहीं रह सकते, इसीलिए वो वहाँ गए हैं, और कोई उनका कोई कारण नहीं, वो तो बहाना है खाली मुली का, उनका फर्जी बहाना है। तो ये हमारे साथ थे रविकर तिवारी जी जो हमसे बातचीत कर रहे थे। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि यहाँ पर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता और पदाधिकारी हैं जो प्रदर्शन करके लौटे हैं, और इनसे हम बातचीत कर रहे थे। फिलहाल के लिए इन सभी का हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कैमरा पर्सन मोहम्मद लतीफ़ के साथ नफीस अहमद, टीम न्यूज़ 9 लाइव टीवी लखनऊ।